हेलो स्टूडेंट माँ आशापुरा संकुल से मैं हेतल गोस्वामी आज आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड टेंथ सब्जेक्ट संस्कृत जिसमें हमने संस्कृत के नंबर्स एक से पचास आगे के वीडियो में किए थे और आज हम फिफ्टी वन से लेके हंड्रेड तक आज के वीडियो में सीखेंगे जिसमें जिस तरह मैंने आपको संख्या में पहले बताया था कि एक वाली लाइन जो एक से लेके दस तक की लाइन है उसे एकम एक द्वे त्रीणी चतवारी इस तरह से हम जानते हैं उसी तरह जो ग्यारह वाली लाइन है इलेवन वाली उसे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश जिस तरह से दसम तो जहाँ पे दस आता है इसी तरह ग्यारह वाली लाइन है वहाँ पे दस लगेगा तो एकादश बारह को द्वादश तेरह को त्रयादश और बीस को विंसती इस तरह से जाना जाता है इसके बाद थी 21 ट्वेंटी वन से लेके थर्टी तक की लें जिसमें बीस को मैंने आगे ही आपको बोला कि जब दस था तो एकादश द्वादश इसी तरह ट्वेंटी वन है तो एक विंशति जब बीस को हमने विंशति बोला तो ट्वेंटी वन उसके बाद ट्वेंटी वन है जो इकविंशति द्वाविंशति इन सभी के पीछे विंशति ही लगेगा इसके बाद अष्टाविंशति, नवविंशति, इसी तरह सभी में हम विंशति लगाएंगे और तीस है तीस में हम लगाएंगे त्रिंसतः क्या बोलेंगे त्रिन त्रिंसतः यानी थर्टी थर्टी यानी तीस जिसके बाद उसके बाद आती है थर्टी वन से लेके फोर्टी तक की लाइन जिसमें आगे मैंने बोला कि तीस तो तिरसत्तः तो एक त्रिंसठ द्वा त्रिंसठ त्रय त्रिंसठ इस तरह से हम इसे बोलेंगे चालीस की लाइन आएगी तो चतवार इंसत तो जब चालीस वाली लाइन आई तो फोर्टी वन फोर्टी वन में चतवार इंसत इस तरह से हमने लगाया तो यहाँ पे फोर्टी वन में बोलेंगे एक चतवार इंसत द्विचतवारंशत त्रि चतवार इंसत ऐसे करके सभी में चतवार इंशत्त जहाँ पे चार चार है तो चतवार इंशत इस तरह से हम बोलेंगे जब हम पहुँचते हैं फिफ्टी पचास पे तो बोलते हैं पंचाशत पंचाशत ठीक है तो पहले मैंने एक से पचास तक कराया अब हम नई गिनती जिसमें संस्कृत में नई गिनती फिफ्टी वन की लाइन आज हम करेंगे अब पचास को बोला है पंचाशत तो फिफ्टी वन को हम क्या बोलेंगे एक पंचाशत इसी तरह फिफ्टी टू को बोलेंगे द्विपंचाशत फिफ्टी थ्री को बोलेंगे त्री पंचाशत चत फिफ्टी फोर को बोलेंगे चतुर्स पंचाशत फिफ्टी फाइव को बोलेंगे पंच पंचाशत फिफ्टी सिक्स को बोलेंगे सठ पंचाशत शत फिफ्टी सेवन को बोलेंगे सप्त पंचाशत फिफ्टी एट को बोलेंगे अष्ट पंचाशत फिफ्टी नाइन को हम बोलेंगे पंच पंचाशत और जब हम साठ की लाइन में सिक्सटी की लाइन में पहुँचते हैं तो उसे हम बोलेंगे साष्ठी ही ठीक है उसके पीछे विसर्ग आता है तो हम बोलेंगे साष्ठी ही और एक बार मैं पूरा फिफ्टी वन से लेके साठ तक रिपीट कर रही हूँ एक पंचाशत द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुष्पंचाशत, पंचाशत सप्त पंचाशत सष्ट पंचाशत सप्त अष्ट पंचाशत, 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 पंचाशत नव पंचाशत और साठ को हम बोलेंगे ष्ठी ही ठीक है आपको इतना समझ में आ गया होगा इसके बाद है सिक्सटी वन की लाइन जिसमें है सिक्सटी वन की संख्या को हम किस तरह से बोलेंगे सिक्सटी जो सिक्सटी था उसे हम किस तरह से बोले ष्ठी ही ठीक है तो सिक्सटी वन को हम बोलेंगे इकसठी ही सिक्सटी टू को बोलेंगे तिवी ष्ठी ही सिक्सटी थ्री को बोलेंगे त्रिष्ठी ही यहाँ पे जो त्रिसष्ठी है उसे त्रिष्ठी नहीं त्रिष्ठी ही उसके पीछे विसर्ग लगता है तो उसी तरह से हम उसे बोलेंगे इसके बाद है सिक्सटी फोर जिसको हम बोलेंगे चतुष्ठी ही सिक्सटी फाइव को बोलेंगे सप्तषष्ठी ही यानी कि पंचषष्ठी ही उसके बाद है सिक्सटी सिक्स जिसे हम बोलेंगे सटसष्ठी ही सिक्सटी सेवन है उसे बोलेंगे सप्तष्ठी ही उसके बाद है सिक्सटी एट इसे बोलेंगे अष्टष्टि ही सिक्सटी नाइन को बोलेंगे नवष्ठि ही और सेवनटी को बोलेंगे हम सप्तष्टि ही इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है अगर हम ध्यान से करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो सितर है उसे हम बोलेंगे सप्त ही सप्तही ठीक है उसके बाद मैं पूरा का पूरा रिपीट कर रही हूँ सिक्सटी वन से लेके कर तक एक षष्ठी ही द्विष्ठि ही ही, चतुष्टि ही पंचषष्ठि ही षट्ठि ही, अष्टष्ठि ही नवष्ठि ही नव ही और सप्तति ही ठीक है आपको इतना समझ में आया अब सितेर को हमने क्या बोला सप्तति ही ठीक है तो इसी तरह सेवेंटी वन की लाइन है वहाँ पे क्या लगेगा एक संपत्ति ही एक सप्तति ही ठीक है सॉरी एक सप्तति उसके बाद है सेवेंटी टू तो जिसे हम बोलेंगे द्वि ही सेवेंटी थ्री है उसे हम बोलेंगे त्रिसप्तति ही सेवेंटी फोर है उसे चतुर सप्तति ही और सेवनटी फाइव है जिसे हम बोलेंगे पंच सप्तति ही उसके बाद है सेवेंटी सिक्स जिसे बोलेंगे सठ सप्तति उसके बाद है सेवनटी सेवन जिसे कहते हैं सप्त सप्तसी जिसमें सप्त सप्तति ही ठीक है सेवेंटी एट है इसे बोलेंगे अष्ट सप्तति सेवेंटी नाइन है उसे बोलेंगे नव सप्तति और उसके बाद है एटी जिसे बोलेंगे अस्सी ही पूरा का पूरा एक बार और रिपीट कर रही हूँ एक सप्तति ही द्वि सप्तति त्रिसप्तति चतुर सप्तति ही पंच सप्तति ही षट सप्तति ही सप्त सप्तति ही अष्ट सप्तति ही नवसप्तति ही और उसके बाद है अस्सी ही यानी अस्सी अब अस्सी वाली जो लाइन है एट्टी वन से लेके नाइन्टी तक तो उसे एट्टी वन में आया अस्सी तो किस तरह से बोलेंगे एकादी ही इसके बाद है द्वय ही त्रय ही ति ही पंचस्थिति एट्टी सिक्स को बोलेंगे सड़स्ती ही 87 सेवन को बोलेंगे सप्तिति ही एट्टी एट को बोलेंगे सिति ही एट्टी नाइन को बोलेंगे सिति ही और नब्बे को हम बोलेंगे नवति, ठीक है पहले क्या बोला था कि असिति को एट्टी है उसे असिति ही कहा तो उसके बाद एट्टी वन से लेके एटी नाइन तक की जो लाइन है उसे हम बोलेंगे सिति ही ठीक है सिति ही 81 वन को बोलेंगे सिति ही एट्टी को बोलेंगे द्रवासिति ही इसी तरह सभी को हम स्थिति ही जब हम 19 में पहुँचेंगे तब नवति और एक बार बोल रही हूँ एक्सिति ही दया ही, त्रय ही, चतुर्सिति ही, सड़स्ती ही सड़ ही, ही, सप्तिति ही और नवस्थिति ही जब नब्बे पे हम पहुँचेंगे तो उसे हम बोलेंगे नवति ठीक है उसके बाद है नवति वाली जो लाइन है नब्बे को हमने बोला नवती ही तो जब नाइन्टी नाइन नाइन्टी वन से लेके हंड्रेड तक है उसकी लाइन आएगी नाइन्टी वन है तो वो एक नवति ही नाइन्टी टू है तो द्वि नवती ही नाइन्टी थ्री है तो त्रि नवती ही नाइन्टी फोर को हम बोलेंगे चतुर् ही और पंद्रह है उसे हम बोलेंगे पंच नवती ही नाइन्टी सिक्स है उसे बोलेंगे पंच पंचाति ही उसके बाद है सेवन नाइन्टी सिक्स को बोलेंगे नवती नाइन्टी एट है उसे बोलेंगे अष्टनवति नाइन्टी नाइन है उसे बोलेंगे नवनवति और जो हंड्रेड है उसे हम सतम के नाम से जानेंगे हंड्रेड को हम बोलेंगे सतम और एक बार सभी रिपीट कर रही हूँ एक नवति द्विनवति ही नवती ही चतुर्नवति ही पंचनवति चतुर ही पंच ही सप्तनवति अष्टनवति नवनवति ही और सतम आपको इतना समझ में आ गया होगा एक से लेके 100 हंड्रेड तक की गिनती हमने संस्कृत में की अब जब हमें बोर्ड में ग्रामर के पोर्शन में यह क्वेश्चन आता है तो तभी हमें यह सारी जो संख्याएं हैं उसका हमें यूज़ करना होता है पहले ही मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जला ब्लैंक में श्याम अवश्य ब्लैंक में हमें ऑप्शन दिए होंगे उसमें से हमें चुनकर अच्छी तरह से लिखना है आपको मैंने ये नंबर्स हैं वो सिखाए हैं और आप इसे घर पे रिवाइंड करना थैंक यू